अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए राइस वाटर या राइस मास्क जो है फ्लोर का या राइस वाटर हेयर के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, तो इसी तरह आप लोगों को मैंने कहा था फेस के लिए भी आप लोग किस तरह इसे अपने फेस के लिए ये आइस क्यूब्स जो है वाटर बना सकते हैं, इसके वाटर के राइस वाटर के आइस क्यूब्स बना कर आप लोग अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग इस तरह से, जैसे आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया सेम प्रोसेस कि आपने 2 से 3 घंटे के लिए चावलों को पानी में डीप कर कर, थोड़े से पानी में डीप कर कर छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो है ये पानी जो है अलहदा कर लेना है चावलों से, और फिर आप लोगों ने ये वाटर जो है आइस क्यूब्स जो कि बॉक्सिंग आती है उसमें आइस क्यूब्स आप लोगों ने जमा देने हैं, और इस तरीके से फिर अपने फेस पर अप्लाई करना है। एज आ ये आप लोगों की स्किन भी टाइट करेगा, ब्राइटनेस स्किन और इवन कॉम्प्लेक्शन लीव स्किन स्मूथर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन राइज वो क्यूब जो है आप लोगों की स्किन पर इफेक्ट लाएगा। और साथ साथ जो कि आप लोग अगर इसको आइस क्यूब्स के अलावा जो राइस वाटर है आप लोग इसे अपने फेस पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एज अ जेल की सूरत में, आप लोग इसे जो है पानी थोड़ा सा लेकर वही आप लोगों ने इसे थोड़ा सा पानी पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा ही पकाना है। उसके बाद थोड़ा सा, यानी कि अगर आप लोगों के 1 या 2 टेबल स्पून राइस वाटर है तो आप लोगों ने उसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल देना है, और नहीं, आप लोगों ने 1 कप डालना है और थोड़ा उसे पकाना है जितना वो 1/2 कप रह जाए। फिर उसे अच्छी तरह किसी भी मलमल के कपड़े में आप लोगों ने छान लेना है। उसके बाद वो आप लोगों का जो है जेल तैयार है स्किन ग्लोइंग के लिहाज से, आप लोगों ने फिर ये अपना जेल स्किन पर लगा लेना है। फिर आप लोग देखिएगा आप लोगों की स्किन पर, आप लोग रात को डेली लगा के भी सो सकते हैं या आप लोग इसे 20 मिनट के लिए भी लगा सकते हैं, लगा कर आप लोग वॉश कर लें अगर आप लोग इस तरह से चाहते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी बन जाएगी एक तरह से, आप लोग विंटर सीजन में भी इसे लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को स्किन वाइटनिंग जो है राइस का जो है स्किन वाइटनिंग फेस मास्क बनाना है तो आप लोग उसमें सबसे पहले थोड़ा सा राइस फ्लोर ले लें, उसके बाद आप लोगों ने इसमें तो वो अगर 1 टेबल स्पून आप राइस फ्लोर ले रहे हैं 2 टेबल स्पून आप लोग इसमें टमाटो पेस्ट डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। और अच्छा, ये अगर इसकी जो है थिकनेस ख़त्म नहीं होती तो आप लोग फ्यू ड्रॉप्स रोज़ वाटर के ऐड कर दें, ऐड करने के बाद अपने फेस पर लगाएं, और लगाने के बाद आप इसे ड्राई होने तक छोड़ दें, ड्राई होने के बाद इसे वॉश करें। आप लोग खुद देखेंगे, अगर आप लोग रूटीन से यूज़ करेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे आप लोगों की स्किन पर कितना अच्छा रिजल्ट आएगा और कितना अच्छा इफेक्ट होगा। फिर इसके अलावा अगर आप लोगों को अपनी स्किन के जो है लिहाज ब्राइटनेस और लाइट स्किन पर अपनी लाइटनेस और ब्राइटनेस लानी है, स्मूथनेस लानी है, थोड़ा सा खूबसूरत सी रौनक लानी है तो आप थोड़ा सा इसमें राइस फ्लोर में जो है टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों के जो जेल हैं बनकर तैयार हो जाएंगे, फेस मास्क जेल और टोनर भी आप लोग ऐसा टोनर भी जो कि आप लोगों ने राइस वाटर आइस क्यूब्स बनाए हैं वो ही वाटर आप लोग छान कर इसी तरह से आप लोग इसे टोनर एज अ टोनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त से आप लोगों के साथ मैंने रेमेडीज़ जो शेयर की हैं स्किन वाइटनिंग के लिहाज से, और कोई भी इसमें महंगा आप लोगों को चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से घर में आप लोग इजीली बहुत सस्ते में अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। सस्ती सी चीज़ें यानी कि बहुत ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट आप लोग लेते हैं, मास्क लेते हैं, टोनर, आप लोग नेचुरल इन्ग्रीडियंट से, नो साइड इफ़ेक्ट, नो केमिकल के ज़रिए यानी कि इसको छोड़कर अपने घर में इस जरिए से अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, इससे आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जिन लोगों ने अभी तक राइस वाटर का हेयर टोनर एंड हेयर मास्क नहीं देखा है तो वो भी जाकर देखें मेरी वीडियो, मैंने कुछ दिनों पहले ही शेयर की है। अगर आप लोग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी। सो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। आई होप कि आप लोगों के लिए आज का ये जो रिव्यू है और रेमेडी है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।